तो 4 सितंबर को मुंबई में सबरंग अवार्ड शो रखा गया है और लगभग 55 भोजपुरी के बड़े कलाकार यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन सभी अवार्ड में से एक भी अवार्ड सुपरस्टार पवन सिंह के नाम नहीं रहा। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और सीधे तौर पर पवन सिंह के जितने फैंस हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि सबरंग शो के जितने भी अवार्ड थे उनको एक तरह से बेचा गया है, खरीदा गया है। और पवन सिंह के सभी फैंस का ये कहना है कि पवन सिंह भोजपुरी के इतने पिछड़े हुए कलाकार है कि उनको एक अवार्ड से भी नहीं नवाजा जाए। तो आज की इस खास वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला और आखिर क्यों नहीं पवन सिंह को अवार्ड मिला और क्या वाकई में पवन सिंह को भी अवार्ड मिलना था। तो सबसे पहले आप सभी को हम बता दें कि लगभग खेसारीलाल यादव की फिल्म संघर्ष आई थी और उस फिल्म को लगभग 8 से 10 अवार्ड से नवाजा गया। तो सबसे पहले आप सभी को हम बता दें कि पवन सिंह इस अवार्ड शो में उपस्थित नहीं थे। जी हाँ, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है वो है पवन सिंह की व्यस्तता। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि पवन सिंह की अभी हाल ही में बॉस फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसमें पवन सिंह काफ़ी व्यस्त थे और पवन सिंह ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि उनको अवार्ड शो में वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि काफ़ी वो व्यस्त है अपनी फिल्मों को लेकर, और जिसकी वजह से लगभग पवन सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर फिल्म को भी कई अवार्डों से नवाजा जाने वाला था, लेकिन उस सभी अवार्ड एक तरह से ट्रांसफर करते हुए संघर्ष फिल्म को मिल गए। जी हाँ, ये पवन सिंह अपनी फिल्मों को लेकर काफ़ी व्यस्त थे, इसी कारण वो अवार्ड लेने के लिए नहीं पहुँचे और जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इस अवार्ड शो में वो उपस्थित नहीं हो पाएंगे, और जिसको देखते हुए खेसारीलाल यादव की फिल्म को, संघर्ष फिल्म को बाकी के और अवार्ड मिल गए। वैसे तो संघर्ष फिल्म काफ़ी सुपरहिट फिल्म थी, इसके साथ साथ आप सभी को बता दें कि बेस्ट सिंगर जो कि मेल सिंगर के अवार्ड था वो नहीं मिला किसी को भी। जी हाँ, क्योंकि भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह की आवाज़ एक ऐसी है जिनको हर साल भोजपुरी फिल्मों के बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिलता है, लेकिन सबरंग अवार्ड में किसी को भी, क्योंकि पवन सिंह वहाँ पर उपस्थित नहीं थे और इसको देखते हुए किसी को भी बेस्ट सिंगर का मेल में अवार्ड नहीं मिला क्योंकि उसके हकदार सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह ही हैं। तो काफ़ी अच्छी बात थी क्योंकि सबरंग अवार्ड में पवन सिंह के जितने फैंस थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबरंग अवार्ड में जितने भी अवार्ड थे उनको बेचा और खरीदा जा रहा है, लेकिन आप सभी को हम बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। बेस्ट सिंगर का जो मेल में अवार्ड था वो पवन सिंह को ही मिलना था और हाई बजट मूवी ऑफ द ईयर का खिताब भी पवन सिंह को मिलने वाला था, क्योंकि आप सभी को पता है क्रैक फाइटर फिल्म आप सभी के बीच आई थी जो कि भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा कर रख दिया था। तो पवन सिंह के नाम भी कई अवार्ड थे, लेकिन पवन सिंह अपनी व्यस्तता के कारण वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, उपस्थित नहीं हो पाए, जिसके कारण ये बाकी के अवार्ड भी अन्य कलाकारों में बांट दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। जितने भी पवन सिंह के फैंस हैं आप सभी को निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार फिर से ये खबर आ रही है कि लंदन में होने वाला है अवार्ड शो। जी हाँ, लंदन में अभी हाल ही में अवार्ड शो होने वाला है जिसमें भोजपुरी के सभी कलाकार मौजूद होते हैं हर साल, और इसके साथ साथ बॉलीवुड के कई बड़े छोटे स्टार भी शामिल होते हैं जिसमें पवन सिंह, खेसारीलाल यादव, दिनेशलाल यादव सभी शामिल होंगे और एक ही मंच पर ये तीनों सुपरस्टार्स लंदन में मौजूद होंगे और ये भी देखने वाली बात होगी कि किस सुपरस्टार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है। वैसे आप सभी वोट कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वैसे आप सभी के हिसाब से इस साल का बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिलना चाहिए। लंदन में ये शो भी हाल ही में होने वाला है, आप सभी अपने अंदर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस तरह की वीडियोज़ को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बिल्कुल फ्री में। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।